व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ नया सीखने को और जानने को मिलता है आज के करेंट अफेयर से। आइए वेलकम टू स्टडी मिशन आई ट्वेल्व ऑफ वेल। सो आइए, बहुत ही शानदार बात कही गई है यार कि कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। जी हाँ, आप अपने आप पर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए कि आप सबसे बेहतर हो, और सबसे बेहतर कार्य कर सकते हो तो आप जरूर कर सकते हो और जरूर कर पाओगे। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और आज दो दिन का लेक्चर इन्हीं का बचा हुआ है तो उसको हम लोग कवर करने की जरूर कोशिश करेंगे। जल्दी जल्दी से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, आप लोग जान ही रहे हो कोविड-19 में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे आसपास, तो वही प्रॉब्लम हमारे साथ भी थी, तो उस चीज़ को लेकर चलते हैं। और देखिए, इस समय या समय ऐसा है कि आप लोगों पेशेंस के साथ आप जीना पड़ेगा, सकारात्मक सोच रखकर आगे बढ़ते रहिए। आइए क्वेश्चन फर्स्ट है, विच स्टेट हैज सेट अप एन SMS बेस्ड रिमोट एक्सरे इलेक्शन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। जी हाँ, तो कर्नाटका स्टेट ने अभी इसको SMS बेस्ड सेंटर यहाँ पे डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन रैंक्ड इन द मोस्ट रिप्रेजेंटेड फ्रेप्स अंडर 30 SEL लिस्ट। जी हाँ, तो मोफ्रोम जो है ये रिस्पेक्ट में आया है फोवर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट है अनाउंस द वस्तल्या स्कीम। वस्तल्या स्कीम कौन सा स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस किया है, तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेटिव अफेयर्स हु हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट फेज ऑफ MCA 21 वर्जन 3.0, तो अनुराग सिंह ने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड ऑन 25 मार्च। जी हाँ, तो 25 मार्च को अभी कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड वाइड में, तो इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे। जी हाँ, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैज द एशियन क्रिकेट काउंसिल पोस्टपोन्ड द एशिया कप, तो 2 ईयर्स के लिए अभी ये क्रिकेट एशियन काउंसिल को रिजेक्ट किया गया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्ट द संजीवनी प्रोजेक्ट फॉर कोरोना पेशेंट्स, तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने अभी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, संजीवी प्रोजेक्ट। फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द विच कमीशन श्री कुमार बनर्जी हैज पासड अवे इन इंडिया। जी हाँ, तो श्री कुमार बनर्जी जी थे जो फार्मर चेयरमैन थे, किसके, तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के फार्मर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिस्ट ऑफ द विच कंट्री हैज डेवलप्ड आर्टिफिशियल क्ले हार्ट इन द लाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम। जी हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया का भी ये क्ले हार्ट ऑस्ट्रेलिया के द्वारा यहाँ पे डेवलप किया गया है, क्ले हार्ट, आर्टिफिशियल क्ले हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी हैज मेड इट इनटू द टॉप 200 इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री फॉर द सेकेंड कंस्टिट्यूटिव ईयर्स, तो रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी अभी ये RTU जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में डेवलप किया है। 27 मार्च का देखेंगे हम लोग, विच स्टेट मेजर एक्सपोर्टिंग लीची फॉर गॉटेड GI सर्टिफिकेट। जी हाँ, तो कौन सा स्टेट है जो कि ये मेजर तरीके से एक्सपोर्ट कर रहा है लीची को, तो ये बिहार बना है, और कहाँ पे करता है, तो UK में करता है। जी हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन में देख रहे हो आप, तो लीची जो है एक्सपोर्ट होता है हमारे कंट्री से, तो UK में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट्स लीची इंडिया वाट्स नंबर इन इंडिया वर्ल्ड, तो 2 दूसरे नंबर पे इंडिया है जो कि लीची को एक्सपोर्ट करता है, और पहले नंबर पे कौन है, तो चाइना है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिशन अनाउंस बाय गवर्नमेंट नाउ। जी हाँ, अभी कौन सा मिशन को अनाउंस किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो मिशन कोविड, जिसको कि आत्मनिर्भर भारत 3.0 बोला जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत 1, 2 और 3.0 है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री साइन अ मिलिट्री कॉरपोरेशन। मिलिट्री कॉरपोरेशन में इंडिया और कौन सी कंट्री के द्वारा साइन किया गया इस कॉरपोरेशन में, तो ओमन के साथ। FDI का फुल फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये आपको ध्यान देना है। हाउ मच गेन FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कितना परसेंट का गेन हुआ है, तो 19 पहले डॉलर था, अब 60 डॉलर हो गया है, तो ये आपको ध्यान देना है। रिसेंटली चाइना स्पेस क्राफ्ट लॉन्च, मार्स का अभी चाइना ने इसको स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया है। रिसेंटली बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेटेड, 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा का हम लोग सेलिब्रेट किए थे। विच न्यू केसेस फाउंड इन दिल्ली, तो येलो फंगस अभी फाउंड किया गया दिल्ली में नया केस, ठीक है। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर से पसंद आया होगा और काफ़ी कुछ नया सीखने को जानने को मिलता होगा आज के करंट अफेयर से। सो आप हमारे साथ कहीं भी जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, एनी ऑनलाइन सोशल मीडिया। सो मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में,
और आप लोगों से फिर मुलाकात होगी बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद।